हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के आज कुछ टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाली मेरा टॉपिक है आज जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू क्या है इसके बारे में आज हमें जानना है सो so, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को ओके सो रिव्यू सो so, ये जो डॉक्ट्रिन है जुडिशियल रिव्यू ये ओरिजिनेटेड हुआ है और डेवलप्ड हुआ है कहां पर यूएसए में रिव्यू करना जुडिशियल को रिव्यू करना मतलब हमारे जो विचार व्यवस्था के जो कानून है जो राय वो देते हैं जो जजमेंट वो पास करते हैं उसको रिव्यू करना और उसको देखना वो ठीक है या सही है या गलत है और चेंज करना उसके अकॉर्डिंग सो जुडिशियल रिव्यू ये है नॉर्मली सो so, ये ओरिजिनेटेड हुआ था जो और डेवलप्ड हुआ था यूएसए में ओके

मारोबाड़ी वर्सेस एक मेडिशन केस था जहां पर जॉन मार्शल वो दप, वो तब पर चीफ जस्टिस थे उन्होंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के वो एक जज थे वो तब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को लाए थे ओके प्रोपाउंड किया था इसको आ, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जुडिशरी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया में कब आया था देखते हैं इन इंडिया ऑन द द द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशियल ओके सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट सो भारत के संविधान में ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये इनहेरेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट्स के पास भी वहां पर एक ये एक आर्टिकल में ही है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट होगा या कोर्ट होगा वो अपने आप को जुडिशियरी जो राय देंगे उसे रिव्यू करके देखेंगे फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाद में क्या किया गया जब केसरवानंद भारती केस में 1973 में क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो राइट्स है ये हमारा बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सो so, इसे हम एक जुडिशियल रिव्यू के बेसिक फीचर के तौर पर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हेंस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कट और एक्सक्लूडेड इवन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सो so, इससे क्या हुआ जब बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तब हम क्या कर सकते हैं इस जुडिशियल रिव्यू के जो पावर को इसको हम ना उठाकर एक्सक्लूड कर सकते हैं मतलब मतलब इसको एक्सक्लूड मतलब बात भी नहीं दे सकते उसको छोड़ भी नहीं सकते इसको काट भी नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन से सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट right है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये सो so, ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट फर्स्ट यूएस में आया था 1803 में मेडिशन वर्सेस जॉन मार्सल के केस में में लेकिन इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना सो so ये जो था जुडिशियल इनहेरेंट था जुडिशियल लेकर लेकिन बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक बेसिक uh, जो कॉन्स्टिट्यूशन uh, का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिक्लेयर किया गया बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताया गया तब इस राइट को ये जुडिशियल रिव्यू को पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर Uh, मतलब लाया गया जिससे कि हम इसको कभी रिमूव ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट सो जुडिशियल रिव्यू क्या है ओके okay, क्या करता है ये

आइन जो लॉ है वो क्या ठीक लॉ ठीक से पास हुआ है या नहीं ओके ऑन एग्जामिनेशन इफ देयर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वायरस दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इललीगल अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन uh, को वायलेट करता है तो उसे इललीगल घोषणा किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलड नल एंड वॉयड इसे घोषणा किया जाएगा बट द ज्यूडिशियरी जुडिशियरी so, कौन इसे डिक्लेयर करेगा कि ये कैंसिल हुआ है जुडिशियरी कैंसिलेगा कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट लेकिन ये इनफोर्स कौन करेगा कॉन्सिक्वेंटली बाद में दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट ये इनफोर्स नहीं कर सकते थोप नहीं सकते सो जुडिशियल रिव्यू पावर है जुडिशियरी के पास वो देखते हैं एग्जीक्यूटिवली या जुडिशली या जो लॉज जा रहे हैं जो बनाए जा रहे हैं वो क्या लीगल है? वो क्या वैलिड है या नहीं है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है दे आर नॉट वैलिड उसे हम इनिगल कहेंगे ओके okay? उसे हम इनवैलिड करेंगे वो उसको हमको गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना है उसे इनवैलिड घोषणा कर सकते नेक्स्ट okay? देखते हैं जस्टिस सयद शाह मोहम्मदी हैज क्लासिफाइड जुडिशियल रिव्यू इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज उन्होंने क्या किया है जुडिशियल रिव्यू को कुछ टाइप्स में डिक्लेअर डिवाइड किया है कुछ कैटेगरीज में थ्री टाइप्स फर्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो क्या किसको रिव्यू करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे होते हैं संविधान को जो संशोधन किया जाता है वो किस तरीके से हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल तो नहीं है इसको देख नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर जो स्टेट uh, लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेजिस्लेचर या रूरल में जो लेजिस्लेचर है अर्बन में जो लेजिस्लेचर है वहां पर जो रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं उनको रिव्यू करना नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट अथॉरिटीज अंडर द स्टेट

2014 एस अन कंस्टिट्यूशन नॉलेन वाइट सो 2014 में क्या किया गया जो 99 कंस्टिट्यूशन हमें एनजेएसी को स्टेबलिश्ड किया गया नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन को स्टेबलिश्ड किया गया 2014 में लेकिन 2015 में इसको क्या किया गया इसको हमने रिव्यू किया ज्यूडिशियल रिव्यू के दौर पर � जुडिशियल नीडेड फॉर दीज क्यों हमारे लिए ज़रूरत है है किस कारण के हमारे संविधान के जो ऑथोरिटी है सुप्रीमेसी को कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर है उसको सबसे ऊपर रखने के लिए नेक्स्ट है टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सेंटर और स्टेट में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए इसलिए हमारे लिए जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों के पास जो फंडामेंटल राइट्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए देखते हैं। थ्रू द फ्रेज in रिव्यू हैज नो previous बीन several इन explicitly द प्रीवियस आर्टिकल of judicial on ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओके सो review रिव्यू कहा, कहाँ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जगह पर ये जो जुडिशियल रिव्यू का है वो सब जगह यूज हुआ है ओके? Okay? मतलब सारे जगह में ये बहुत एप्लीकेबल है जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है वो नाउर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जगह पर आर्टिकल्स में यूज किए जाते हैं जुडिशियल रिव्यू को सो so कहाँ पर आर्टिकल जो थर्टीन है वहां पर बताया गया है कि दट ऑल that all laws that are inconsistent with or derogation with the fundamental rights shall be null and void. जो कानून हमारे fundamental rights के साथ नहीं जूझते हैं जो contrary करते हैं उसके opposite जाते हैं उसको हम null and void घोषण कर सकते हैं जो हमारे fundamental rights के खिलाफ है उन कानून को कोई कोई जरूरत नहीं नेक्स्ट आर्टिकल थर्टी टू में बताया गया है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडल राइट किसी को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं सो हम फंडामेंटल राइट्स अगर व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं तो हम कोर्ट्स में जा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं सो उसको लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट की उनको राइट्स प्रोवाइड करेगी कि उसका ऑर्डर इशू हो जाए उसको मिले नेक्स्ट आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट में क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है प्रोवाइड so, क्या करता है फॉर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशन में या इंटर स्टेट डिस्प्यूट में कौन डिसीशन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट 132 प्रोवाइड करता है अप्लाइड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में 132 आर्टिकल वन थर्टी आर्टिकल क्या करता है अप्लाइड जुडिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिविल केसेस सिविल केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 134 में क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 134 ए में क्या कर सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर द एपल ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं 35 में क्या करता है एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू एक्साइज द जुडिस्डिक्शन ऑफ पावर्स एंड फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसलिए अगर वन थर्टी फाइव भी क्या बताया सुप्रीम कोर्ट एक्साइज करता है, है उसका जो उसका ट्राइब्यूनल ओके कहीं से भी केस उसे ला सकते हैं लेकिन मिलिट्री केस को छोड़कर नेक्स्ट है कहीं पर भी कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसलिए इसको लाना

ओके सब इन सारे जगहों पर जुडिशियल रिव्यू का जो क्षमता है उसे अप्लाई किया गया है नेक्स्ट देखते हैं और कहा कहा, कहा पर है 20 टू uh, ट्वेंटी पे जहाँ पर हाई कोर्ट्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स विद इन दियर रेस्पेक्टिव टेरिटरी अगर uh, कोई भी स्टेट है उसका जो हाई कोर्ट है वो उसके नीचे वाला कोर्ट्स जो है उसको एक नजर रखना सुपरिटेंडेंस करना नेक्स्ट आर्टिकल टू फोर्टी फाइव यहाँ पर टेरिटोरियल कंटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और वो क्या करता है जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उस एरिया में उसी देश का और या उसी राज्यों का कानून चलेगा 246 में क्या बताया गया सब्जेक्ट मैटर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट जो बताया गया है जो सब्जेक्ट मैटर्स बाय द लेजिस्लेचर स्टेट्स यूनियन द स्टेट लेस्ट के बारे में

सो इन एरिया में इसका जो थ्री ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट और हाई इसे इसेक्ट कर सकते हैं सो जुडिशियल रिव्यू क्या है ये कोटेशन आपको याद रखना चाहिए द पावर ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो आईन सभा और एग्जीक्यूटिव जो बीच जो उसे इम्प्लीमेंट करता है उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पावर को वैलिडिटी को चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का पावर लाया गया है So that's the whole lecture on judicial review. I hope you understand. Thank you. Keep on watching and keep on learning.